हेलो एवरीवन, वेलकम टू चहल एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट प्रेशर बेल्ट्स। दोस्तों, ऐसे सुनने में बहुत मुश्किल लगता है कि प्रेशर बेल्ट्स क्या होंगी। तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो प्रेशर हम बात कर रहे हैं एयर के प्रेशर का। अब एयर के प्रेशर की वजह से दो तरीके के जोन या बेल्ट क्रिएट हो सकते हैं। या तो वो जोन हो सकता है हाई प्रेशर बेल्ट, मतलब जहां पे एयर का दबाव ज्यादा है धरती की सरफेस पे, उसको हम बोलेंगे हाई प्रेशर बेल्ट या हाई प्रेशर जोन। और जहां पे धरती पे एयर का दबाव कम है उसको हम बोलेंगे लो प्रेशर बेल्ट या लो प्रेशर जोन। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं प्रेशर बेल्ट्स के बारे में बात करेंगे कि ये प्रेशर बेल्ट्स आखिरकार है क्या है और ये प्रेशर बेल्ट्स कितने टाइप की हैं। दोस्तों, जैसे फर्स्ट टाइप इज योर थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट का मतलब है हीट जो है वो मेजर फैक्टर है इन प्रेशर बेल्ट्स की फॉर्मेशन के लिए। और डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट का मतलब ये हो गया कि हीट कारण नहीं है इन प्रेशर बेल्ट्स की फॉर्मेशन के लिए, इनके पीछे कारण कुछ और फोर्सेस का है। उन फोर्सेस को हम बोलते हैं डायनेमिक फोर्सेस। इनको क्या बोलते हैं हम? डायनेमिक फोर्सेस। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब का जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेशर बेल्ट्स के बारे में। तो हमने क्या बोला, प्रेशर बेल्ट्स ऐसे एरियाज हो सकते हैं अर्थ पे, या तो वो एरिया डोमिनेट कर रहा होगा एयर के हाई प्रेशर से या तो एयर के लो प्रेशर से, और इसकी वजह से जो पूरा जोन क्रिएट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बेल्ट्स। तो अब अगर आप देखोगे थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स हमने बोली, तो थर्मली हीट के कारण तीन प्रेशर बेल्ट्स बनती है दोस्तों। एक इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, मतलब दोस्तों आपका जो ये इक्वेटर है, ये इक्वेटोरियल रीजन जो लगभग इसका लैटिट्यूडल एक्सटेंड क्या है 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में जो बेल्ट है, इसको हम बोलते हैं, इस प्रेशर बेल्ट को, इस प्रेशर जोन को हम बोलते हैं लो प्रेशर जोन। और इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इक्वेटर के पास सिचुएटेड है। यहां पे लो प्रेशर क्यों है, एयर का दबाव क्यों कम है, बिकॉज ये सबसे ज्यादा क्या कर रहा है जी, आपका सूरज की रोशनी रिसीव कर रहा है, जिसकी वजह से यहां पे एयर बहुत इंटेंसली हीट अप हो जाती है और राइज कर जाती है। नीचे एयर ना होने के कारण क्या है, आपका प्रेशर लो होता है, इसलिए हमने इसको बोला इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। कारण क्या है इस बेल्ट की फॉर्मेशन का, हीट। इसी के साथ दो और प्रेशर बेल्ट्स हैं जिनको हम थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स बोलते हैं, वो है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। दोस्तों, हाई प्रेशर बेल्ट का मतलब क्या होगा कि वो जोन जहां पे धरती पे एयर का दबाव हाई है वो कहां पे, आपके पोलर रीजन में। ये मिलते हैं 70 डिग्री नॉर्थ से नॉर्थ पोल तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और 70 डिग्री साउथ से साउथ पोल में सदर्न हेमिस्फीयर में। यहां पे अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि सबसे कम यहां पे इंसुलेशन पड़ती है, यहां पे जो हीटिंग इफेक्ट है सन का वो बहुत कम है क्योंकि इसकी शेप की वजह से। तो यहां पे ज्यादातर थ्रू आउट एयर आपको टेम्परेचर कोल्ड मिलेगा। अगर कोल्ड टेम्परेचर, उसके कॉन्टैक्ट में आने वाली एयर वो भी क्या हो जाएगी, कोल्ड कॉन्ट्रैक्ट और डिसेंड करेगी, और जब वो धरती की तरफ जाएगी तो प्रेशर एग्जर्ट करेगी, तो प्रेशर क्या होगा, हाई। तो दो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट और एक इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इनको हम क्या बोलते हैं, थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। बट अगर मैं आपको बोलूं कि 45 to 65 डिग्री सेल्सियस में, 45 to 65 डिग्री लैटिट्यूड में क्या टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर बहुत कम होता है। अब टेम्परेचर अगर यहां पे कम है, मतलब यहां पे ठंड है, तो एयर का दबाव क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, है ना। लेकिन हमें इसे ठंडे टेम्परेचर या कोल्ड रीजन में हमें जो एयर प्रेशर है वो भी क्या मिल रहा है, लो, उल्टा हो रहा है। तो बोला इसके पीछे कारण तो हीट नहीं है, तो इसके पीछे जो कारण है हमने उनको क्या बोला, डायनेमिक फोर्सेस। और वो बेल्ट कौन सी, आपके सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और दूसरी कौन सी, आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये दो आपको बेल्ट मिलेंगी, एक मतलब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एक सदर्न हेमिस्फीयर में, हो गई दो, और एक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट आपकी, पोलर लो प्रेशर बेल्ट आपकी सदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो टोटल कितनी बेल्ट्स होती हैं आपकी, सेवन। सेवन प्रेशर बेल्ट्स में से कितनी प्रेशर बेल्ट्स हैं जो हीट के कारण बनी है, वो है तीन, एक इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और दो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। और चार प्रेशर बेल्ट जो है, मतलब दो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और दो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ये किसके कारण बनी है, डायनेमिक फोर्सेस। और ये डायनेमिक फोर्सेस कौन कौन सी आपकी, याद रखना दोस्तों, फ्रिक्शनल फोर्स, आपका पाइलेशन ऑफ एयर, कोरियोलिस फोर्स, ऑल दिस फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डायनेमिकली क्रिएटेड और ओरिजिनेटेड प्रेशर बेल्ट्स।
सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के बारे में। तो मैंने क्या बोला, ये बेल्ट कहां से कहां एक्सटेंड करती है दोस्तों, आपका 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में प्रेशर बेल्ट मिलती है। यहां का कैरेक्टरिस्टिक आप जाओगे तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यहां पर ऑलमोस्ट देर इज नो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। क्यों हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर क्यों नहीं, क्योंकि एयर सारी गर्म होकर क्या कर गई, एक्सपैंड राइज कर गई, है ना। और हीट ज्यादा होने के कारण जहां पे हीट ज्यादा होगा वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होगी, तो यहां पे आपको हाई इवेपोरेशन हाई ह्यूमिडिटी मिलेगी दोस्तों। तो हाई इवेपोरेशन हाई ह्यूमिडिटी डेली रेनफॉल इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में का करेक्टरिस्टिक है। तो दोस्तों एक और चीज याद कर ले, नोट डाउन कर ले, लो प्रेशर बेल्ट को हम डिप्रेशन भी बोलते हैं, ट्रफ भी बोलते हैं और साइक्लोन भी बोलते हैं। साइक्लोन, लो प्रेशर, डिप्रेशन और आपका ट्रफ, ये सब एक ही सिमिलैरिटी है इसमें, तो घबराना नहीं। क्यों, क्योंकि आने वाले टाइम पे जब हम इंडियन क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे तो हम मॉनसूनल ट्रफ के बारे में पढ़ेंगे, तो दैट ट्रफ इज बेसिकली लो डिप्रेशन और आप बोल सकते हो लो प्रेशर। यू गॉट इट। अब दोस्तों इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट में क्या हो रही है, दो तरीके के विंड्स आके कन्वर्ज होती है जिनको हम ट्रेड विंड्स बोलते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आप फिलहाल याद रखें एक जोन है इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट के बीच में ही, उसको बोलते हैं आईटीसीजी। क्या बोलते हैं उसको, आईटीसीजी। आईटीसीजी मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। कन्वर्जेंस मतलब क्या हो गया, यहां पे दो विंड्स क्या करती है, कन्वर्ज करती है, और उन दोनों विंड्स को हम क्या बोलते हैं, आपके ट्रेड विंड्स। अब कौन कौन सी ट्रेड विंड्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब ये जो आईटीसीजी है ये है आपका 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर में सिचुएटेड है, और इसको हम डोल्ड्रम भी बोलते हैं या इसको हम बेल्ट ऑफ काम भी बोलते हैं। जरूर इसको ध्यान से और बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोस जो हैं जो क्लाइमेट में, स्पेशली जब इंडियन क्लाइमेट में बात करेंगे तो आईटीसीजी का बहुत जिक्र होने वाला है, क्योंकि आईटीसीजी की शिफ्टिंग की वजह से मॉनसून आते हैं आपके इंडिया में। नेक्स्ट इज योर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको बोला कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो है वो हीट के कारण नहीं बनी, वो डायनेमिक फोर्सेस के कारण बनी है। वो डायनेमिक फोर्सेस कौन सी, आपकी कोरियोलिस फोर्स। कौन सी आपकी, कोरियोलिस फोर्स। वो डायनेमिक फोर्सेस क्या है, आपकी फ्रिक्शनल फोर्स। वो डायनेमिक फोर्सेस है आपकी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। वो डायनेमिक फोर्सेस है आपकी डायलेशन ऑफ एयर। तो दीज आर दी फोर्सेस व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ओरिजिनेशन ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, एंड दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट और डायनेमिक प्रेशर बेल्ट। ये कहां से कहां मिलती है दोस्तों, 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री 35 डिग्री साउथ, ठीक है, और आपको दोनों हेमिस्फेयर में मिलेगी ये। इस बेल्ट में आपको अगेन क्या देखने को मिलेगा, देयर इज ऑलमोस्ट नो मूवमेंट ऑफ विंड। यहां पे एक्सट्रीम रेंज ऑफ टेम्परेचर मिलेगा आपको। एक्सट्रीम रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब दिन को बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, रात को काफी टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा और आपको ठंड लगेगी। ये ऐसा है, ये बेल्ट में आपके मैक्सिमम अगर आप देखोगे आपके हॉट डेजर्ट सिचुएटेड है। जैसे एक डेजर्ट की एग्जाम्पल आपकी ग्रेट इंडियन डेजर्ट जिसको हम थार डेजर्ट भी बोलते हैं, आपका सहारा डेजर्ट, ये सारी एग्जाम्पल्स किसकी है, आपकी हॉट डेजर्ट्स की, जो इस बेल्ट में मिलती है और इसी बेल्ट के फॉर्मेशन के कारण इन डेजर्ट्स का क्या हुआ, ओरिजिनेशन हुआ है। इस बेल्ट को हम हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि माना जाता है कि मेडिवल टाइम पे क्या होता था, अरब्स जब घोड़े लेके आते थे, जब घोड़ों का ट्रेड, हॉर्स का ट्रेड होता था, जब वो इस बेल्ट में पहुंचते थे तो शिप भारी होने के कारण वो यहां से इसको मूव नहीं कर पाते थे, बिकॉज देयर इज नो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। तो उस वक्त मशीन तो थी नहीं या इंजन तो थी नहीं जिसे आपको शिप चलानी, तो मैनुअली इसको चलाना पड़ता था। तो हुआ क्या कि ये क्या करते थे, अपने शिप का वेट कम करने के लिए ये माना जाता है कि ये हॉर्सेस को इस लैटिट्यूड्स पे समुद्र में गिरा देते थे ताकि शिप का वेट कम हो जाए और ये इजीली यहां से निकल पाए। दिस इज द रीजन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को हम क्या बोलते हैं, आपका हॉर्स लैटिट्यूड्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज योर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। दोस्तों बोलते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट किसके कारण बना है, फ्रंट्स के कारण बना है। दोस्तों फ्रंट बहुत सिंपल है दोस्तों, जब भी गर्म हवा कोल्ड एयर और वार्म एयर मिलेंगी और जो इनके बीच में जो जोन होगा ट्रांजिशन जोन, इसको हम बोलते हैं फ्रंट। क्या बोलते हैं, फ्रंट। और कभी भी जब कोल्ड एयर तो वार्म एयर मिलेंगी तो ऑब्वियसली इनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो वेरी करता है, डिफर करता है, इसकी वजह से इनकी कभी मिक्सिंग नहीं होगी और वार्म एयर क्या कर जाएगी, आपकी राइज कर जाएगी। जब वार्म एयर राइज करेगी तो कोल्ड एयर इसको पुश करती है नीचे, देयर इज नो एयर, तो नो एयर होने की वजह से वहां पर प्रेशर क्या मिलेगा आपको, लो। एंड दिस इज द रीजन बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस इज द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट।
और ये बेल्ट कहां से कहां तक एक्सटेंड करती है, दोनों हेमिस्फीयर में मिलती है आपको, 45 से लेके 65 डिग्री तक आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलेगी और आपको सदर्न हेमिस्फीयर में मिलेगी। दोस्तों द थर्ड बेल्ट इज योर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। दोस्तों ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट का बनने का कारण क्या, मैंने आपको बोला था हीट, हीट कम होने के कारण यहां पे जो दबाव है एयर का वो ज्यादा है, प्रेशर जो एयर का ज्यादा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ये 70 डिग्री नॉर्थ से आपको नॉर्थ पोल तक मिलेगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 70 डिग्री साउथ से आपको साउथ पोल तक मिलेगी कहां पे, सदर्न हेमिस्फीयर में। और ये क्या है, आपकी थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स हैं। तो दोस्तों टोटल कितनी प्रेशर बेल्ट्स होगी, 7 आपकी दी गई स्क्रीन में बताया है। एक है ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, 2 आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और 2 आपके सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और 2 आपके कौन से बचे, आपके पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो टोटल कितनी प्रेशर बेल्ट्स होगी आपकी, 7 प्रेशर बेल्ट्स। और यही प्रेशर बेल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिहाइंड द ओरिजिनेशन ऑफ विंड्स, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसके बारे में पूरा समझ आया होगा। ऐसे ही ज्योग्राफी की और वीडियोस को आसान भाषा में समझने के लिए कीप फॉलोइंग द चैनल ऑफ चहल एकेडमी। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।